क्या इमरान खान पर लगने वाला है बैन? क्या इमरान खान कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? क्या इमरान खान की पार्टी भी हो जाएगी बैन? ये वो सवाल हैं जो इन दिनों पाकिस्तान में खूब गूंज रहे हैं। फॉरेन फंडिंग मामले में बुरी तरह से घिरे पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान अब यहाँ सत्ता पक्ष के निशाने पर भी आ गए हैं। शहबाज शरीफ ने पहले उनके खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट किया, फिर उन्हें सत्ता से बेदखल किया, और अब जब वो विदेशी फंड मामले में घिर चुके हैं तो ऐसे में शहबाज सरकार उन पर लाइफ टाइम बैन लगवाने पर आमादा दिखाई दे रही है। सत्ता पक्ष की ओर से ये कोशिशें उस वक्त तेज की गई हैं जब पाकिस्तान में कुछ ही महीनों के भीतर आम चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पूरी शिद्दत से जुटी हुई थी। कहा यह भी जा रहा था कि इमरान खान भले ही सत्ता गंवा बैठे हों, लेकिन उनका जनाधार पाकिस्तान में अभी भी मजबूत है, जिसके बूते यहां होने वाले आम चुनाव में उनके फिर सत्ता में लौटने की बातें चर्चाओं में थीं। लेकिन ऐसा हो पाता उससे पहले ही शहबाज सरकार उनके पर कुतरने की जैसे ठाने बैठी है। दरअसल मुस्लिम लीग नवाज की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार पूर्व वजीर आजम इमरान खान के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगवाना चाहती है। इतना ही नहीं, उनकी चाहत ये भी है कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर भी बैन लग जाए। ऐसी मंशा के साथ पाकिस्तान की शहबाज सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रही है। इसे मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ के बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद शहबाज शरीफ के बेटे को पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। ये इमरान खान की पार्टी के लिए किसी बड़ी फतह जैसी थी। इस बात से शहबाज शरीफ को करारा झटका लगा था। लिहाजा कहा जा रहा है कि इसी बात से खार खाए बैठी शहबाज शरीफ सरकार अब इमरान खान को सबक सिखाने के लिए ही आजीवन प्रतिबंध की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। आपको बता दें कि इसे लेकर पिछले दिनों पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में इसके कानूनी मसलों को लेकर एक बैठक भी हुई थी। ये बैठक पाकिस्तान चुनाव आयोग के उस फैसले के बाद बुलाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि इमरान खान की पार्टी को अवैध तौर से विदेशी फंडिंग मिली है। गौरतलब है कि आरोपों के मुताबिक इमरान खान की पार्टी को 34 विदेशी लोगों के साथ साथ 351 विदेशी कंपनियों से भी डोनेशन हासिल हुई थी। इमरान खान और उनकी पार्टी पर फॉरेन डोनेशन की जानकारी छिपाने का आरोप लगा था, जिसके खुलासे के बाद पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने उन पर शिकंजा कस लिया है। इसे लेकर उनकी पार्टी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।